पेरेंटल बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले से ही इनको सबको कर रखा था, तो 15 या 16 तारीख को हमारे पास में सबके लगभग आवेदन और जिनके लिए आप एक बार बिल्कुल ये इंश्योर कर लें, इसके बिना नहीं जी भी आप भी इंश्योर कर लें जितने बच्चे हैं सबकी पेरेंटल कंसेंट हार्ड कॉपी रिकॉर्ड और जो कानून होता है उसका पर आपको उसमें जो फिजिकल डिस्टेंस उसको आप सबको मिल जाएगी। अगर आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर ये आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप अल्टीमेटली इस बीमारी से आप परेशान होंगे। फिजिकल डिस्टेंस मास्क और हाथ धोना ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अभी आप लोग ही बैठे हैं ये जो दो लोग एक बेंच पर बैठे हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं, मिनिमम हम वैसे भी 2 गज की दूरी करते हैं, 6 फीट की दूरी तो आप देखिए। अब आप सारे बच्चे भी आपने काफ़ी टाइम बाद स्कूल खुली है, आप लोग स्कूल में आए वापस से, आप सबको ध्यान है कि ये कोरोना की SOP की तो पालना करनी है, बहुत सब कुछ करनी है। और इतने दिन से स्कूल बंद रखने का पर्पज़ यही था कि स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स इन्फेक्ट नहीं हों, उनकी वजह से उनके घर वाले इन्फेक्ट हैं। अब जब ये स्कूल्स खुली है आप लोगों को 100% जो SOP की कंप्लायंस है, जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसको हमको उसकी पूरी पालन। और हाथ वाथ आप लोग हो सके तो खुद का छोटा सैनिटाइजर कैरी करें, कर ही रहे होंगे मैक्सिमम। और इसके अलावा भी जहाँ पर भी आपके वॉश बेसिन है जहाँ साबुन और हाथ धोने की व्यवस्था वहाँ धोइए, नैपकिन भी यूज़ करें तो अपना खुद का पर्सनल नैपकिन यूज़ करें। कोई भी चीज़ अभी आपको जब तक कोविड पूरा चल रहा है जब तक आपको कुछ भी ना तो खाना पीना ना कोई पानी अपने को आपस में शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है, और आराम से रहें। फिर जैसे ही कम्प्लीट आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है प्रॉपर है, एक जो आपका बेंच है इसमें एक ही व्यक्ति है, 2 व्यक्ति नहीं बैठे, कहीं आप जब रिसेस में या जो आपके फ्री पीरियड्स हो उसमें भी आप लोगों को इंश्योर करना है कि अपना बिल्कुल भी एक जो डिस्टेंसिंग जैसे रहती है किसी आपके दोस्त मित्र दूर से हम बात करें, जैसे अगर आप गए और ये बात कर रहे हैं मास्क लगा के वो ठीक है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को टच कर रहे हैं या हैंड शेक कर रहे हैं ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो दिक्कत है। चलिए अच्छा है आपकी क्लासेस।